हमने ये जो फैसला लिया है एग्जामिनेशन मुनाकिद कराने का इस नवंबर महीने में, ये हमने स्टूडेंट्स के कैरियर को मद्देनजर रख के किया है। हमें मालूम है कि हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो मई और जून महीने में होते हैं। इसलिए हम एग्जामिनेशन आज करने से, नवंबर महीने में करने से, हम उनको भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं कि वो उस एग्जामिनेशन के लिए जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए उनको हम टाइम दे रहे हैं। अगर ये एग्जामिनेशन इस वक्त हम नहीं करते, मार्च में पोस्टपोन, मार्च तक पोस्टपोन कर लेते, तो उस हवाले से इस वक्त बच्चा जो है दिसंबर महीने से के दौरान भी, जनवरी और फरवरी महीने के दौरान भी सिर्फ कंसंट्रेट कर लेता अपने ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के ऊपर। लेकिन हम उनको दिसंबर महीने से मई महीने तक 6 महीने का वक्फा दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अहल हो जाए। हमने इंजर्ड के लिए एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले निकाल लिया है कि जो बच्चे इंजर्ड है, अगर उनको किसी किस्म की मदद की जरूरत है, वो हमारे ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करें ताकि हम उनको हेल्पर प्रोवाइड करें। और जहां तक जेलों का ताल्लुक है कि हमने लिखा था, सीओज को बताया गया था कि वो ये एनालाइज करें कि किस जेल में कितने बच्चे हैं जो एनरोल्ड है मैट्रिकुलेशन या ट्वेल्थ क्लास एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कुछ बच्चे जो है जो एनरोल्ड है फॉर दिस एग्जामिनेशन वो जेलों में है। अभी तक सिचुएशन हमें अलाउ कर रही है एग्जाम इस टाइम पे है, जो सिचुएशन हमें छोड़ नहीं रहा है, बिल्डिंगें जल रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी सेफ्टी का, बच्चों की सेफ्टी का और स्टाफ के सेफ्टी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो डिसीजन है ये बच्चों के हक में होगा।